नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लास में हम आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव क्लेम पर विद पॉजिटिव बायस। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जो कि नेगेटिव क्लेम पर विद पॉजिटिव बायस। क्लेम पर क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो पहले कर चुके हैं, और भी क्लेम पर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो क्लेम पर क्या करता है, हमारा मेनली बेसिकली जो हमारे इनपुट सिग्नल उसको शिफ्ट कर देता है बाय डिजायर्ड लेवल, जो कि हमें जरूरत है जितने लेवल की उस लेवल से हम क्या कर लेते हैं, शिफ्ट करवा देते हैं सिग्नल को सर्किट का यूज करते हैं। तो बाद बात करें नेगेटिव क्लेम पर विद पॉजिटिव बायस, सिमिलियर वर्किंग रहेगी नेगेटिव क्लेम पर की तरह, बस इसमें एक एडिशन हो गया। क्या एडिशन हो गया है, एक पॉजिटिव बायस ऐड हो गया है। पॉजिटिव बायस का क्या मतलब है कि पॉजिटिव वोल्टेज ऐड कर दिया हमने, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज सर्किट के अंदर, ठीक है। उसकी क्या फंक्शन रहेगी वो सब हम समझेंगे वर्किंग में। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है नेगेटिव क्लेम पर पॉजिटिव बायस का, जिसमें क्या है इनपुट एसी सोर्स है, ठीक है, जिसको हम डीआईसी रिमोट कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज, एक कैपेसिटर है, एक डायोड लगा हुआ है इंडक्शन डायोड, और एक पॉजिटिव वोल्टेज वीबी, जिसको बैटरी वोल्टेज या फिर बायस वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि तो पॉजिटिव वोल्टेज को लगी है। एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ सर्किट में, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये मैक्सिमम वोल्टेज है 10 वोल्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मैक्सिमम वोल्टेज -10 वोल्ट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो इस इनपुट सिग्नल को हम इस सर्किट में अप्लाई करेंगे कि कैसे हमारा शिफ्ट होकर क्लैंप को क्या आएगा वो हम देखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये टर्मिनल नेगेटिव रहेगा। तो शुरुआत में हमारा क्या होगा, जो बैटरी वोल्टेज है बायस वोल्टेज डीसी वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होगी इनपुट वोल्टेज। शुरुआत के तौर पर क्या होगा, इनपुट वोल्टेज लेस देन होगी हमारी बैटरी वोल्टेज से। तो उस टाइम पे जो बैटरी वोल्टेज होगी ये रेफरेंस के बराबर चलेगी, इसका कंडक्शन चलेगा। तो बैटरी वोल्टेज की वजह से हमारा डायोड फंक्शन करेगा। बैटरी वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, एन साइड भी बोलते हैं, ये पॉजिटिव साइड होती है, इसको पी साइड भी बोलते हैं, एनोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डायोड कनेक्टिव हो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा। डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। इस टाइम पे हमारा क्या होगा, ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, तो जो हमारा कैपेसिटर है उस टाइम पे हमारा चार्ज नहीं होगा इनपुट वोल्टेज की वजह से। क्यों चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा आरसी कांस्टेंट है वो क्या, बहुत हाई होता है। आरसी कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ये होता है टाउ इक्वल्स टू आरसी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। ये आरसी इक्वल होता है आर मतलब रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। रेजिस्टर और कैपेसिटर की जो मल्टीप्लिकेशन है वैल्यू की, उसके इक्वल होता है। आगे की वैल्यू हमारी हाई है, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये वैल्यू अगर लो है कैपेसिटर को चार्ज होने में डिस्चार्ज होने में कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर एल है हमारा और ये कैपेसिटर है, तो जो आर एल है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर इस टाइम पे हमारा चार्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको बहुत टाइम लगेगा तो चार्ज नहीं हो पाएगा इस तरीके से हमारा, तो जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर इस कंडीशन में चार्ज नहीं होगा। तो क्या आउटपुट पे वोल्टेज क्या मिलेगी, वी आउटपुट वीबी की हमारे वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। कि वीबी हम क्या 5 वोल्ट लेके चल रहे हैं, इतने लेके चल रहे हैं 5 वोल्ट, तो इसी तरीके से चल रहे हैं 5 वोल्ट हमारे आउटपुट में वैल्यू। तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, उस कंडीशन में हमारी क्या वैल्यू आ रहा है, 5 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की, लेकिन अब कंडीशन क्या रहेगी हमारी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वी आई ग्रेटर देन है बैटरी वोल्टेज से, इस 5 वोल्ट से ग्रेटर देन है बैटरी वोल्टेज से। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो डायोड होगा हमारा कनेक्टेड इस तरीके से, ठीक तरीके से हमारा, ठीक है। तो डायोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, ये ज्यादा वोल्टेज है भी बैटरी वोल्टेज से, इसकी वजह से ये कुछ नहीं करेगा, ये ज्यादा इक्कर वर्क करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो डायोड क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा,
क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरफ बढ़ेगा। शॉर्ट सर्किट की तरफ बढ़ते हैं तो सिर्फ करंट फ्लो होगा हमारा इन डायरेक्शन में कुछ, ठीक है। तो हमें क्या होगा निकालना होगा, हमें निकालनी होगी कैपेसिटर हमारा क्या होगा इस दौरान, जब हम इनपुट वोल्टेज हमारी बैटरी वोल्टेज से ज्यादा है, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, या नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट पे। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइम पे जो आरसी कांस्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू आरसी, ठीक है, जो हमारा आरसी कांस्टेंट है ये क्या हो जाएगा इस टाइम पे लो हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कम है। इस केस में आइडियल कंडीशन में हमारा जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो जीरो लेके चल रहा है, क्योंकि आइडियल कंडीशन है। तो जो हमारा ये आरसी कांस्टेंट है जो क्या होता है लो हो जाएगा, अगर ये लो हो जाएगा मैंने आपको बताया था, जो हमारा कैपेसिटर है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो इस दौरान हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, कैपेसिटर की जो चार्ज होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी हमारी वीसी, कैपेसिटर वोल्टेज ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाकर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, हमारे एक लूप में लगता है करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम कुछ इस प्रकार से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्शन थी ना हमारी, इस तरीके से इसी डायरेक्शन में हम क्या लगा लेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटर वोल्टेज को। यहाँ पर हमें तीन पोटेंशियल दिख रहे हैं, एक वीपी बैटरी वोल्टेज, एक कैपेसिटर वोल्टेज और एक इनपुट वोल्टेज, तीनों को लेकर चलेंगे। तीनों आसान किसके कॉल होगा, जीरो के कॉल होगा, ये किरचॉफ वोल्टेज को बताते हैं। तो हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं शुरू में, यहीं से लेके चलते हैं, ठीक है, जहां से एंटर कर रहे हैं और जहां से एग्जिट कर रहे हैं, हम एक सिंबल लेके चलेंगे, हम सिंबल लेके चलेंगे एग्जिट कर रहा है, जहां पर यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है हमारा, एग्जिट कर रहा है तो क्या होगा वीआई प्लस वीआई, ठीक है। यहां से एंटर कर रहा है ऐसे जाएगा ना, यहां से एग्जिट कर रहा है माइनस वीसी, यहां से एंटर कर रहा है यहां से एग्जिट कर रहा है, तो क्या होगा माइनस का सिंबल माइनस वीडी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने, तो बीसी को फ्लैग ले जाओ, बीसी क्या आ जाएगा बी आई माइनस क्या हमारे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, जो पॉजिटिव साइकिल 10 वोल्ट, तो मैक्सिमम पीक वोल्टेज क्या हमारे 10 वोल्ट, जो पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं ना 10 वोल्ट, बी की वैल्यू क्या बैटरी वोल्टेज की 5 वोल्ट, तो 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट कितना आ गया 5 वोल्ट, तो बीसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बीसी की वैल्यू तो क्या हमारी कितनी 5 वोल्ट, ठीक है। अब हम ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी कितनी हो चुकी है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू देखते हैं क्या रहेगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा कंडीशन यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, डायोड लगाते हैं, ठीक है, तो डायोड डायरेक्शन से भी हमें पता लगा सकते हैं, वैसे नेगेटिव लग रहा है पॉजिटिव लग रहा है, डायोड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड साइड, तो ये क्या हमारा नेगेटिव लग रहा है, ये अपवर्ड साइड होती है पॉजिटिव लग रही बात कर रहे होता है, ये पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है हमारा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज है कैपेसिटर वोल्टेज पे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसको देखें पहले, कौन सी क्या रहेगी हमारी डायोड की, तो डायोड क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का नेगेटिव से कनेक्ट है इनपुट सप्लाई है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। अगर बैटरी की बात करें, बैटरी की वजह से क्या कंडीशन है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, दोनों की वजह से क्या रहेगा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा डायोड, और जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहता है तो वो कंडक्ट नहीं करता, वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है, तो जब डायोड हमारा क्या करेगा ओपन सर्किट वर्क करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो इस ब्रांच की कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी, ठीक है। इस ब्रांच को हम यहाँ अभी के लिए हटा देते हैं ताकि हम आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकें, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल का आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार से करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज को लगाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव की बात करें तो हमारे जो करंट की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं ना पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम वी आउट लेके चलते हैं, यहाँ से एंटर कर रहे हैं यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो बी आउट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से एंटर कर रहे हैं यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं करंट डायरेक्शन जो है, तो क्या रहेगा प्लस बी सी, यहाँ से एंटर कर रहे हैं यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं प्लस पी आई, ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो सम। तो यहाँ से अब हमारी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से, यह हो जाएगा हमारा माइनस पी आई माइनस बी सी, ठीक है, वी आई की वैल्यू 10 वोल्ट है माइनस 10 वोल्ट, बी सी की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज की वैल्यू हमारी कितनी है 5 वोल्ट माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 वोल्ट,
आउटपुट यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल माइनस 15 वोल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका इसकी जो वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से हमारे एक और चीज हम डीसी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से डीसी लेवल हमारा क्या होता है जो जिसके अराउंड हमारे जो वेवफॉर्म है वो सिलेक्ट करे, तो यहां पर अगर वीआई की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, यहां पर 0 पुट कर देते हैं वीआई की वैल्यू, तो हमारे क्या आ जाएगी वी आउटपुट इज इक्वल टू 0 माइनस वीसी, वीसी की वैल्यू कितनी है 5.2 माइनस 5, हमारा क्या आ गया डीसी लेवल आ गया, ठीक है। -15 वोल्ट तक जाएगा वापस कहां तक आ जाएगा यहां तक जो कि डीसी लेवल, ठीक है, ये मार्केट डीसी लेवल। आप देख सकते हैं यहां पर क्लैंपिंग किस प्रकार से हुए, नेगेटिव साइड क्लैंपिंग हुई है लेकिन भी पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव बायस का ये हिस्सा हमारा यहां पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा सर्किट डायग्राम में जिस प्रकार से बोला था वैसे ही करके दिखाया हमने, इनपुट वेवफॉर्म को नेगेटिव क्लैंप कर दिया हमने पॉजिटिव बायस पॉजिटिव वोल्ट के साथ, कुछ इस हमारा पॉजिटिव साइड भी है, इस प्रकार से हमारी क्लैंप हो जाएगी नेगेटिव क्लैंप पर भी पॉजिटिव बायस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक, तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स की वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते हो तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, और हाँ अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन।